तो अच्छा दबाते हो तुम। तुम्हारे हाथों की फीलिंग कितनी अच्छी है, वरना हर मत के हाथ अलग होते हैं। तुम्हारा तरीका अलग है, तुम इतने आराम से दबाते हो कि प्यार ना आने वाले को भी प्यार आ जाए। बहुत टाइट है, ब्लाउज की वजह से सही तरीके से नहीं दब रहा है। तो उतार दो ना ब्लाउज। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। औरत जब प्यार में होती है ना तो पिता और पति दोनों की सुन लेती है, और अगर प्यार में नहीं होती ना तो हाथ तोड़ के ठाकुर बना देती है। बोल, बना दे ठाकुर। ना हाथ उठाने लायक बच्चों के और ना ही हिलाने के। You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different and you must be kidding. You're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. जब इंटर के बच्चे होते हैं ना, उनको आखिर तक नहीं बताते बच्चे कैसे होते हैं, उनको बोल देते हैं यार ये परी छोड़ के गई है। ऐसे ही था परी। अच्छा, मैं और हम लोग पूछते थे जब शादी की मूवी देखते थे मम्मा बाबा की। हाँ। तो हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? सो रहे थे। कहाँ सो रहे थे? सो रहे थे। हम कहाँ है? जबकि अम्मी अब्बू सोते हैं तो हम आते हैं। यार ये समझ गई। मजा आया। मैं मीटिंग प्लेस में पहुंच चुका हूँ, तुम कहाँ हो? बस राहुल, मैं आ ही रही हूँ। तुम सेफ्टी लाए हो ना? हाँ, मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ ही आया हूँ, पर तुम जल्दी आओ वरना मैं ठंडा हो जाऊंगा। नहीं नहीं, गर्म ही रहना, मैं बस आग लगाने आ ही रही हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few moments later. राहुल, आप कौन है बहन जी? स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारी आलिया हूँ। क्या? तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया? तुम सेफ्टी लाए हो ना? अरे भाड़ में गई सेफ्टी। मोटी, मुझे माफ कर दे। देख, पेच स्क्रू में फिट होता है, होल में नहीं। वेल डन। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझसे दूर रहे वरना वर्जिनिटी नहीं, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। मुझे अपने घर जाना है। हाँ? रानी, हाय। ओए, ये कौन है? आई एम विजयलक्ष्मी, नाइस टू मीट यू दादी। डोंट कॉल मी दैट, कॉल मी अश्विन। आशु फॉर यू। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। वाओ रानी, यू नेवर टोल्ड मी योर फादर वाज सो गुड लुकिंग। आई एम चिंतू, हेलो चिंतू, हाउ आर यू? हाय, आई एम फाइन थैंक यू। रानी इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, शी इज डूइंग वेरी वेल। चिंतू, जब हो गई ना आयशा, जा होमवर्क कर ले तू। अरे उठ ना, और आप क्या बैठे हो, जाओ ना, अभी आपका काम है वो करके आओ जल्दी से। क्या 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 काम है? रामी मानुस। अरे जो कर रहे थे आप, क्या क्या कर रहा था? अरे अंदर जाओगे तो पता चलेगा ना क्या है, आप चलो। आशु, व्हेन आर यू कमिंग टू पेरिस? आप जल्दी आ जाओ। आगे दादी, ओ यहाँ तो एडल्ट फिल्म चल रही है, चलो एंजॉय। ओ यहाँ तो एडल्ट फिल्म चल रही है। निकल यहाँ से, निकल। क्या सीन है? मजा आया। क्या हुआ, सब ठीक था ना? सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था ना? रवि तो पागल ही हो गया होगा ना? पागल? वो तो मुझे छोड़ने को ही तैयार नहीं था, कह रहा था और करो और करो। देखा, मैंने कहा था ना, कितना सिंपल था। अरे करना ही क्या होता है, बस लड़की की बॉडी को अपनी बॉडी में वो कंप्यूटर की भाषा में क्या उसको कहते हैं, हाँ बस कॉपी पेस्ट कर लो, बाकी सब कुछ तो हो ही जाता है। क्यारी समझ गई। You're right, bro. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखा, मैं तो पहले ही जानती थी लड़कों को खुश करने का जो रास्ता है ना, वो उनके पेट से होकर नहीं जाता। ये जो भी कहता है ना, उसे कुछ नहीं पता।
अरे मर्दों को खुश करने का रास्ता उनके पेट से नहीं, उनके पेट से तोड़ा दीजिए। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? बड़ा हरामी हो। रुंजा रुंजा तो ये टीचर है? है तो फिर पढ़ा दी क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त तो घर पे बैठी है। मस्त एक नंबर बोला। आई एम सॉरी बाबू। रुको जरा सबर करो। या टीचर तो स्कूल में होगी तभी पढ़ाएगी ना, ऐसे 24 घंटे थोड़ी बोलेगी। बी फॉर बिरयानी, डी फॉर ढोकला, जी फॉर मसाला, एम फॉर मसाला। मैं गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? Hey, I'll come look at this. Ready? इश्क करने वाले भी गजब करते हैं, इश्क करने वाले भी गजब करते हैं। इरशाद। इश्क करने वाले भी गजब करते हैं, यो यो रूम बुक करके घपा घप करते हैं। आप तो एकदम राइमिंग बोल रहे हैं भैया जी। मस्त एक नंबर बोला। आग लगा दी। यार हम ही पागल है जो तुमसे बात कर रहे हैं, और हम महा पागल है जो तुमसे बात कर रहे हैं। हम बेवकूफ भी हैं, हमको धे हैं, हम अनाड़ी हैं, हमको बाड़ी है, हमको बात करने की तमीज नहीं, हमको बात करना नहीं आता, हमको घर बनाना नहीं आता, हमको छत डालना नहीं आता, हम अपनी वाइफ से मार खाते हैं, अपने लेबरों से मार खाते हैं, सरिया भोंकते हैं वो लोग। हम भिकमंगा भिखारी, हम नंगा भिखारी, हम मिट्टी खाते हैं, हम गिट्टी खाते हैं, हम नाली पीते हैं, हम नाली में सड़ने वाले कीड़े हैं, हम गटर में सड़ने वाले कीड़ों के खानदान के निष्कासित किए हुए व्यक्ति हैं। वो तो तुम हो। सही खेल गया मैन। इस बात के ऊपर चौचक मुक्तों की सलामी बनती है। मैंने तुम्हारे साथ बिताए हुए 5 घंटे ये जिंदगी सबसे खूबसूरत 5 घंटों में से एक है। I think I'm in love with you. मैंने ना कभी खुद भी नहीं सोचा था कि मुझे फेसबुक के कमेंट सेक्शन में सच्चा प्यार मिल जाएगा। A few moments later. एक काम करो, 4 से 7 और 8 से 11 का रूम भी बुक कर दो। थोड़ा 1 घंटे का गैप रखेंगे बीच में, ठीक है? कोई आता जाता है, थोड़ा हाइड्रेशन के लिए भी जरूरत होती है। सर 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 आप उसे सच्चा प्यार करते हैं सर? अरे बुक करना है यार, तू तेरे को मरना है क्या? मर गई सर आपकी। Hold up. हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो लड़कियाँ इस्तेमाल भी करती हैं और उनका नाम भी है? उनका नाम भी है और इस्तेमाल भी करती हैं, वो है हम जैसे मासूम लड़के। आप जैसे मासूम लड़के? हाँ, जिनका नाम भी है और जिनको लड़कियाँ इस्तेमाल करके छोड़ भी देती हैं। आपको इस्तेमाल करती है? हाँ आपको इस्तेमाल करती है। लड़कियाँ लड़कों को इस्तेमाल कैसे कर सकती हैं? ना शबाना ने मेरे 1500 रुपये लौट के देना है। लेकिन तुम भूल गए हो, तुम शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु, मैं तुम्हारा वैलेंटाइन डे का प्लान सफल होने नहीं दूंगा। मेरी सोनू को आई लव यू बोलोगे तुम? आई लव यू? अगर जन्नत और आप एक किसी फिल्म में अगर आप स्टार करेंगे, किसी रीमेक में, यानी बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म, सो कौन सी फिल्म आप चूज करना चाहेंगे? DDLG। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? जन्नत जुबैर से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्या पूछेंगे जन्नत से? कि इतनी लाइक्स कैसे आती है आपको और इतने सारे फॉलोअर्स इतने कम टाइम में कैसे बढ़ते हैं? अरिशफा खान से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्या सवाल पूछेंगे? कंटेंट कहाँ से लेके आती हो, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती हो? कैरी मिनाटी से अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप क्या पूछेंगे? बहुत मस्त रोश करते हो। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि कोई तकलीफ नहीं होगी, उसका मतलब ये होता कि ना तकलीफों ना डील करना होगा। बहुत रोस्टिंग, रोस्टिंग में मतलब एक के बाद एक पंच है। नहीं सवाल पूछना अगर रामी मानुस दो दिल में पलट गया। अब आए ना लाइन पे, बस हवा निकल गई। इधर क्या आग लगी है कि फायर ब्रिगेड वाला को बुलाना ही पड़ेगा? जेठालाल ऐसी आपातकालीन स्थिति में अग्निशमक दल ही लोगों की मदद करता है। बाद में आना भाई, चल।
पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, तबाके लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबाके। स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे, स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना।